महोदय, शून्यकाल में मेरे को मौका देने के लिए धन्यवाद। एक बहुत सा संगीन गंभीर विषय हम लोगों का सामने आया। आज से कुछ दिन पहले एक असम से एक ऑयल टैंकर मिजोरम में गया था और तेल का डिलीवरी करने का बाद जब गाड़ी लौट रहा था तो उसका जो ड्राइवर, जिनका नाम था प्रवीण सिंह, 45 ईयर ओल्ड मेल, उनको रास्ता में किसी लोगों ने उनका ऊपर प्रहार किया, उनको मार दिया। ही वॉज मर्डर्ड एंड ऑन चार्जेस ऑफ हिज मर्डर हिज ब्रदर हु वॉज द हैंडीमैन, जो उनका छोटा भाई जो हैंडीमैन था गाड़ी का, उनको आईपीसी 302 के तहत इनको अरेस्ट कर दिया। पुलिस ने टॉर्चर करके इनको एक कोरे कागज में साइन लेके बोला कि मैंने मर्डर किया बोल के उनको जेल में डाल दिया और कुछ दिन बाद आइजोल जेल में उनको ट्रांसफर कर दिया। आइजोल जेल में ट्रांसफर करने का बाद इनको लीगल किसी एड लेने के लिए कोई भी थोड़ा हेल्प नहीं किया। मैं 5 तारीख को इन लोगों का गांव में गया था। दोनों का घर परिवार एकदम आजू बाजू है, कोई बाउंड्री नहीं है, दोनों भाई है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बड़े भाई छोटे भाई का मर्डर कर देगा। इट इज ए प्लैंड केस। और इंटरेस्टिंगली कल ये लोग जो दूसरे भाई जो है जो पुलिस कस्टडी में था, जिनका नाम है निपेन सिंह, जो 49 ईयर्स का था, बोला गया कि उन्होंने सुइसाइड कर लिया आइजोल जेल के अंदर। महोदय, मैं आपकी माध्यम से मैं गृह मंत्री जी को बोलना चाहता हूं कि आइजोल में पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और सिविल जो सोसाइटी है उस डिस्पेंसेशन अलग अलग चलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वहां पे धजिया उड़ाया जाता है कभी कभार। आपकी माध्यम से मैं गृह मंत्री जी को इस जो घटना हुआ है, जो डबल मर्डर हुआ है दोनों भाई का, उस मर्डर की तहकीकात और सीबीआई इंक्वायरी में डिमांड करता हूं। ये हमारी स्टेट की मांग है और मेरे ख्याल से गृह मंत्री जी इसको थोड़ा गौर करेंगे। धन्यवाद महोदय। श्री एल एस तेजस्वी।